एक्शन। थाना में घुसते हुए बम मार दिया, धुइया धुइया हो जाए के चाहिए। थाना में एक हथियार ना बचे के चाहिए। जय महाकाली। हमर मानिए ना, तो ये पढ़ाई लिखाई कुछ चीज नहीं है, इससे आदमी के अंदर का गुस्सा मर जाता है। हमरा बहिने को ले लीजिए, 100 बार मना किए हैं कि पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होगा, लेकिन नहीं, उसको तो बस टॉपर बनना है, पढ़ो, लेकिन इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। ये जो बड़का लोग है ना, ये हम लोग को सीधा रास्ते आगे बढ़ते हुए देखना ही नहीं चाहता है। दलित बस्ती को तो बस कूड़ा का ढेर समझता है। इन लोग का चमड़ा ना बहुत मोटा हो गया है, सिर्फ गोली का भाषा समझता है। हम लोग नक्सली हैं, इन लोग को इसी भाषा में समझाएंगे। आप जहानाबाद बाजार जाके देखिए, ये लोग बड़ा बड़ा बात बोलेगा, आए बाएं चकराएं, लेकिन जब हाथ में AK-56 देखता है ना, इन लोग का हाड़ कांप जाता है, थरथरा जाता है। महाराज पैंट में मूत देते हैं लोग। कानून, कौन सा कानून का बात कर रहे हैं आप बताइए? ये देश में ना कानून मरल चूहा के समान है, गमकता है, बदबू मारता है। देश के प्रधानमंत्री को खुलेआम गोली मार दी है, मारने वाला बुढ़ाड़ी तक जेल में जिंदा बचा हुआ है, और अब फैसला आएगा भी तो किसको खुशी मिलेगा, किसको न्याय मिलेगा? हमको तो नहीं मिलेगा। सही मानिए ना, तो हमको ही अंग्रेज के बनाया हुआ कानून पर कोई भरोसा ही नहीं है। कानून है तो सिर्फ नक्सली कानून है। आज दोषी को लाओ, मुकदमा और सिर सजा, यही हम मानते हैं। अगर हम नक्सली अजय महतो का बेटा नहीं होते ना, तो ये हवेली वाला लोग अपना खेत में हमको बैल की तरह जोत देता। और हमारे बाबूजी का क्या गलती था? वो तो एक सीधा साधा जिंदगी जीना चाहते थे ना, क्या हुआ? चुलन जैसन बहिन, एकदम सीधा साधा मेहनती, खेत में काम करने वाला औरत, गाय के जैसा स्वभाव था उसका। लेकिन ये लोग सब लोग नाश कर दिया हमारे परिवार को। क्या करते बाबूजी, बंदूक उठा लिए। हम तो कहते हैं कि एकदम सही काम किए। हम अपने बाबूजी का क्रिया खाए हैं, ये सब हवेली वाला का नाश कर देंगे। इनके लाश पर रोने वाला एक आदमी नहीं मिलेगा, मां काली का क्रिया खा रहे हैं। किसी को नहीं छोड़े। जय मां काली।